हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एमबीए के बारे में, यानी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको जो है जब आप एमबीए में एंट्रेंस लेते हैं। ठीक है, आपके पास आपको मेंटली बहुत बिल्कुल प्रिपेयर किया जाता है, साथ साथ आपको नॉलेज दी जाती है। पीडीपी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और एसडीपी सेल्फ डेवलपमेंट क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ आपने किस सेक्टर से आपने एमबीए पास किया, जैसे आपने फाइनेंस से किया, एचआर से किया है, आपने सेल्स एंड मार्केटिंग से किया है, आपने किस सेक्टर से किया, उसके अनुसार जो है आपको कॉलेज जो है जॉब प्रोवाइड करवाते हैं आपकी काबिलियत अनुसार। और आफ्टर एमबीए यानी कि एमबीए कंप्लीट होने के बाद जो है आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के प्लेस में आपको जो है जॉब पे एंट्रेंस देते हैं। यानी कि एंट्रेंस सबसे पहले होता है, यानी कि आपका पहले इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद जो है आपको जॉब मिलती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एमबीए ग्रेजुएट्स, उसमें कई प्रकार की जॉब्स निकलती है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मालिक होता है जो कि खुद का बिजनेस खोलता है। कंसल्टेंट वो होता है जो कि दूसरों को कंसल्ट करता है, कि वो जॉब को प्रोवाइड कराता है कि वो किस प्रकार की लोगों को जॉब करना चाहिए। एनालिस्ट का मतलब होता है कि जो का वर्किंग प्रोसेस में है उसको एनालिसिस करके उसको इम्प्रूव करना। फाइनेंशियल प्लानर का मतलब होता है किसी कंपनी में ऐसा फाइनेंस मैनेजर के तौर पर अगर अपॉइंट हो गए तो उस कंपनी का जो नींव और स्टार्ट होती है वो फाइनेंशियल प्लानर ही करता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और सेल्स में हैं तो आप अच्छी एमबीए की डिग्री का आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है करियर ऑप्शंस एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे चल के इसका यूज़ करता है। एमबीए फाइनेंस में जो लोग एमबीए फाइनेंस से कर रखा है उनके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बताते हैं। अकाउंट्स मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कैश मैनेजर, मैनेजर कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट्स, क्रेडिट मैनेजर एंड स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉरपोरेट कंट्रोल्स, फाइनेंशियल ऑफिसर्स एंड ट्रेनर्स, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजर्स। तो ये होते हैं एमबीए, जिसने फाइनेंस एमबीए कर रखा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और सबसे अच्छी बात ये है जो लोग अकाउंट्स मैनेजर हैं यानी कि जो अकाउंटिंग में हैं वो कंपनी की नींव होती है, यानी कंपनी की जान होती है, क्योंकि कंपनी उनको उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं के लेजर बैलेंस शीट्स पर ही सारा उनका जो है बिजनेस प्रोसेस रन करता है। और अकाउंट्स ही है सब डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा मेन डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि इसी द्वारा लेन देन सब किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं एमबीए क्यों करना चाहिए। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं मैं एमबीए करके क्या सीख पाऊँगा, बहुत से लोग सोचते हैं मैं किस स्पेशलाइजेशन से एमबीए करूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एमबीए करने से क्या होगा, एमबीए क्या बेकार है। आज हम उनके बारे में बताएंगे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एमबीए के बाद और इसके अलावा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एमबीए जो लोग करते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो लोग एमबीए फाइनेंस से करते हैं उनके लिए 36% मार्केट शेयर होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। जो लोग कंसल्टिंग में करना चाहते हैं आफ्टर एमबीए यानी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं उनके लिए 23%। जो लोग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है यानी टेक्नोलॉजी की जो ऑलमोस्ट जितने भी का ग्रेजुएट जो है सिलेक्शन होता है वो 10%, और एचआर में और अनदर में मतलब पार्ट में 31%। तो सबसे ज़्यादा जो जो फाइनेंस की सबसे ज़्यादा जो है एमबीए करने के बाद जो ग्रेडिंग है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो लोग एमबीए फाइनेंस से करते हैं उनको जॉब्स इजीली मिलती हैं। साथ साथ जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एमबीए के बाद वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और बहुत से लोग सेल्स मतलब एमबीए सेल्स से करना या सेल्स और मार्केटिंग से करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में होता है जो लोग फाइनेंस से करते हैं वो अकाउंट्स मैनेजर बनते हैं, फाइनेंस मैनेजर बनते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं, या तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंस ऑफिसर, पब्लिक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। तो ये फाइनेंस से करने के बाद किसी भी कंपनी में आप अकाउंट्स मैनेजर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि अकाउंट्स मैनेजर ही सब डिसाइड करता है कि कितनी बैलेंस शीट में कितना लेज़र है, कितना मतलब हर पार्टी का लेज़र प्लस बैलेंस शीट प्लस टैक्सेस प्लस जीएसटी और हर एक पार्टी की जो है इन्फॉर्मेशन रखना, प्लस सैलरी, वेजेस, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे फाइनेंस मैनेजर को देखने पड़ते हैं।
इसके अलावा जो है बेनिफिट्स और जो हमारी ओपिनियन है एमबीए के विषय में, तो लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एमबीए के कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जो कि आपको एडिशनल नॉलेज को देता है और आपकी मदद करता है अच्छे पैकेज में आपको जॉब को प्रोवाइड करने में। इसको करने के बाद आपको जो है बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, साथ साथ बहुत सारे जैसे 90% ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स फुल एम्प्लॉयड होते हैं, जिनको बेटर सैलरीज भी ऑफर हो रही हैं, ठीक है। और एक साल में एमबीए का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, और बहुत सारे लोग जो है पार्ट टाइम भी एमबीए करना पसंद करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल तक पहुंच जाता है। जो 1 या 2 साल फुल टाइम एमबीए का जो कोर्स करते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस अटेंड करते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो उनका जो है कोर्स बहुत आसानी से सही हो जाता है, और उनके परसेंटेज अच्छे आते हैं और उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी रुचि होती है, तभी वो आगे चल के करियर में ग्रोथ कर पाते हैं। तो एमबीए का ऑप्शन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें आपका सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस ऑपरेटिव, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर एरिया ऑपरेशंस मैनेजर, फिर ऑपरेशंस मैनेजर, फिर प्लांट मैनेजर, जनरल ऑपरेशंस मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टिंग मैनेजर, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग मैनेजर्स। तो ये सारी सप्लाई चेन होती है जहाँ पे आप एमबीए ऑपरेशंस, जो एमबीए वाला बंदा होता है जो ऑपरेशनल वर्क देखता है, उसके अंदर ये सारी खूबी होती है कि वो सारे लोगों को और ऑपरेट कर सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोथ कर सके और वो हमेशा वेलफेयर के लिए सोचता है। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एमबीए करने के बाद। तो जो आपको एमबीए में जॉब असाइन होती है वो मार्केटिंग के लिए भी हो सकती है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आपने एमबीए को किया है वो उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो है जॉब प्रोवाइड होती है। आपने मार्केटिंग में की है तो एडवर्टाइजिंग कंपनी से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ठीक है। कंसल्टिंग, ठीक है, फाइनेंस कंपनी, कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है। जनरल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में होता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑब्लिक लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे वेयर हाउस में आपको जॉब मिलती है। फिर आता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जिन लोगों ने एमबीए आईटी से कर रखा है तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बखूबी रूप से अच्छे प्रकार से वर्क करती है। तो एमबीए डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एमबीए डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है इंडस्ट्री में आगे अपने आप को ग्रोथ, अपने कैरियर ग्रोथ कर पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।